बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लदीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन सदकल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो, 26 जनवरी की मुनासबत से पिछले जुम्मा में जंगे आज़ादी के तहत यौम आज़ादी के वास्ते मुस्लिम अवाम की कुर्बानियाँ और उलमा किराम की कुर्बानियों को मुख्तसर अंदाज में बयान किया था। बकिया बातों को इस वक्त बयान करने का वादा किया था, जिसको इस वक्त अर्ज करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला शानहू हमें असलाफ के नक्शो कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। 26 जनवरी का दिन तारीखी दिन है। 26 जनवरी सन ईस्वी 1950 ए यौम जम्हूरिया, इस वजह से कि इस तारीख में हमारे देश भारत में जम्हूरियत का ऐलान किया गया था, जिस ऐलान को बाद में अर्ज करता हूँ। सबसे पहली बात अर्ज ये करनी है कि 26 जनवरी की तकरीबात को हमें भूलना नहीं, कि हमें इस मेहनत और मशक्कत के बाद आज़ादी हासिल हुई। तारीख बताती है कि मुसलसल 100 साल की शदीद मेहनत और मशक्कत के बाद, जानो तन की कुर्बानियों के बाद और माल को बेदरेग खर्च करने के बाद कुर्बानी हासिल हुई है। जंगे आज़ादी के तहत यौमे आज़ादी के वास्ते बेशुमार कुर्बानियां दी गई हैं और इस दिन के वास्ते जेल खानों की सऊबतों को बर्दाश्त किया गया है। इस दिन के वास्ते नजरबंदी का अजाब चखा गया, इस दिन के वास्ते भूख और प्यास को बर्दाश्त किया गया, इसके वास्ते फांसी के फंदों को चुमा गया और इसके वास्ते सीनों पर गोलियां खाई गई हैं और इसके वास्ते बाकायदा तहरीकें चलाई गई। जंगे आजादी की तहरीक को कुचलने के वास्ते अंग्रेज साम्राज्य हुकूमत ने कोशिश की, ताकत इस्तेमाल की, धमकियां दी, जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े, वतन से निकाल देने की धमकियां दी, जायदादों को लूट लिया, मकानों को उजाड़ दिया, खेतों को उखाड़ दिया, आबादियों को वैरानियों में तब्दील कर दिया। पर तहरीक के जंगे आजादी ना तो खत्म हुई ना तो बंद हुई। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये कि हमारे उलमाए किराम ने अंग्रेज साम्राज्य हुकूमत से टक्कर ली। बाकी तारीख बताती है कि दुनिया के बड़े बड़े और बहुत सारे ममालिक अंग्रेज साम्राज्य हुकूमत के शिकंजे में तड़प रहे थे, सिसक रहे थे, किसी के अंदर आजादी के परचम और झंडे को लहराने और बुलंद करने की हिम्मत नहीं थी, किसी के अंदर अंग्रेज साम्राज्य हुकूमत से टकराने की ताकत और कुव्वत नहीं थी। अगर अंग्रेज साम्राज्य हुकूमत के साथ टकराने की हिम्मत, ताकत, कुव्वत किसी के अंदर थी तो वो उलमाए किराम का गिरोह था। उलमाए किराम ने इनसे टक्कर ली। इस वास्ते तारीख बताती है कि अगर हिंदुस्तान के गयूर उलमाए किराम ईस्वी 1857 का इनकलाब बर्पा ना करते तो हिंदुस्तान की पसमुर्दा कौम के अंदर कभी भी आजादी का शूर बेदार न होता। और इस वास्ते तारीख ने यहां तक कह दिया कि जंगे तहरीक के जंगे आजादी के वास्ते उलमा पेश पेश रहे और उलमाए किराम ने कामिल आजादी का ऐलान किया। कांग्रेस से 5 साल पहले जमीयत उलमा हिंद ने आजादी का नारा बुलंद किया, जबकि तहरीक जंगे आजादी को कुचलने के वास्ते अंग्रेज साम्राज्य हुकूमत ने सब कुछ किया पर तहरीक बंद नहीं हुई। पिछले हफ्ते में मैंने बताया
के ईस्वी 1857 की जंगे आजादी की नाकामी के बाद अंग्रेज साम्राज्य हुकूमत की नजर में सबसे ज्यादा मातूब उलमाए किराम की जमात थी। मौलवियत बगावत करार पाई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दाढ़ी रखने वालों को, कुर्ता पहनने वालों को, मौलवियाना वजाकता रखने वालों को खत्म कर देने का फैसला किया। ये पिछले जुमा में मैंने बताया, जिसके नतीजे में फकत 15 दिनों में 2,00,000 मुसलमान शहीद कर दिए गए, जिनमें 51,000 उलमाए किराम थे। एक अंग्रेज मौरिख लिखता है कि ईस्वी 1864 से लेकर 1867 तलक 3 साल हिंदुस्तान की तारीख के बड़े ही दर्दनाक और अलमनाक है कि इन 3 सालों के अंदर अंग्रेज साम्राज्य हुकूमत ने उलमाए किराम को फांसी के फंदों पर लटका दिया। दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर खैबर जगह तलक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस दरख्त पर किसी आलिम की गर्दन न लटकती हो। दिल्ली और दिल्ली के अतराफ में दरख्तों की मोटी मोटी शाखों और डाली पर फांसी के फंदे लटकाए गए थे। अंग्रेज के पास, अंग्रेज के हाथ अगर कोई आलिम या कोई आमी मुसलमान हाथ चढ़ता तो वो उसको हाथी पर बिठाते थे, दरख्त के नीचे ले जाते थे, फांसी का फंदा गले में डालते थे, फिर हाथी को हकाते थे, चलाते थे। क्या होता था, बेचारी की लाश छोल जाती थी, आंखें उबल पड़ती थी, जबान बाहर निकल आती थी, जिंदा जानवर की तरह तड़प तड़प कर मर जाता था। अंग्रेज साम्राज्य हुकूमत के शिकंजे में जब दुनिया के बड़े बड़े और बहुत सारे ममालिक तड़प रहे थे और सिसक रहे थे, तब उलमाए किराम ने आगे बढ़कर इनसे टक्कर ली है। तब जाके बहरहाल बहुत सारी बेपनाह कुर्बानियों के बाद जंगे आजादी के तहत यौम आजादी हासिल हुआ है। आज 26 जनवरी का दिन है, ये तारीखी दिन है। अब हम बात करें 26 जनवरी सन ईस्वी 1950 की। मैंने शुरू में बताया कि ये यौमे जमहूरिया है इस वजह से कि इस तारीख में हमारे देश भारत में जमहूरियत का ऐलान किया गया, जिसमें दस्तूरे आइन की रूह से हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों को इस बात की मुकम्मल जमानत दी गई, चाहे वो जौन से भी मजहब और मसलक से ताल्लुक रखने वाले हो, कि इनको अपने दीन और अपने मजहब, अपने मसलक के मानने और उसका प्रचार करने, उसकी इशाअत करने और उसको फैलाने का मुकम्मल अधिकार और मुकम्मल हक है। अपनी मसाजिद, अपने मदारिस, अपने मकातीब, अपने मराकीज, अपने मनादीर, अपने मकाबीर, अपनी कलेसाओं की हिफाजत का मुकम्मल हक है हर एक को, और इसकी हिफाजत का मुकम्मल इनको इख्तियार है और कोई किसी के मजहब और मसलक में दखील नहीं होगा। आज आईन के रूह से इस बात की मुकम्मल जमानत हिंदुस्तान के हर बाशिंदे को दी गई, तो आज हम जरा इस बात की भी चर्चा करें कि हमारा देश भारत आजाद हुआ कई साल गुजर गए, पर अरबाब हुकूमत ने हम मुसलमानों के साथ कैसा गैर मुसावाना रवैया इख्तियार किया और जुल्म व इस्तिबदाद के कौन से हथियार इस्तेमाल किए, और हम मुसलमानों के हुकूक को पामाल करते हुए हम मुसलमानों पर जो जफा और जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ते हुए हम मुसलमानों के साथ कैसा गैर मुसावाना रवैया इख्तियार किया, जिसकी एक दर्द भरी दास्तान है, सैकड़ों फसादात की तारीख हमारे सामने है, जिसको याद करने पर जबाने गंग रह जाती है, आंखें उबल पड़ती है, बदन और जिस्म में एक धरूज और एक कपकपी पैदा हो जाती है और पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि ये कैसी आजादी और ये कैसी जमहूरी है। जब ये बात सामने आती है तो हमारी जमीर हमें झंझोर कर कहती है कि अपनी जबानों से ये अल्फाज कह दो कि भाई ऐसी आजादी के हम तलबगार
नहीं है कि हमारे हम मुसलमानों की जाने महफूज नहीं, हम मुसलमानों का माल महफूज नहीं, हमारी आबरू और इज्जत महफूज नहीं, हमारे हुकूक को पामाल किया जावे, हमारी मस्जिदों को और हमारे मदरसों को मसमार कर दिया जावे और हमारे मरकजों और हमारे खानकाओं पर बुनियाद परस्ती का इल्जाम लगाया जावे, कुर्बानी पर पाबंदी लगाई जावे, लाउड स्पीकर पर अजान के खिलाफ मुकदमा बाजी करी जावे, शायर इस्लाम के जनाजे निकाल दिए जावे, ये कैसी जमहूरियत है, ये कैसी आजादी है कि कुरान लाजवाल दस्तूर लाजवाल खुदाई कानून और मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत की कोशिश की जावे, हमारे दीनी मामलात में मुदाखलत की कोशिश की जावे, ये कैसी आजादी और ये कैसी जमहूरियत हमारे दिल हमें झंझोर कर इस बात के कहने पर मजबूर कर देते हैं कि कह दो ऐसी आजादी के तलबगार हम नहीं हैं। अगर आजादी इसी का नाम है तो ऐसी आजादी पर कल भी हम लात मारते थे और आज भी लात मारते हैं। एक बात जरूर जहन में रखिए, पिछले हफ्ते में मैंने ये बात कही थी कि इन बातों को अर्ज करने की ये वजह नहीं कि हमारे दिलों में एक जोश पैदा हो जावे और हम जोशेली बन जावे। मैंने अर्ज किया था ये तो मैं भुला हुआ सबक याद कराने के वास्ते बैठा। आज हमारे देश हिंदुस्तान के अंदर हम मुसलमानों को हकारत की नजर से देखा जा रहा है और हम मुसलमानों को एक कमजोर ताकत तसव्वुर किया जा रहा और हमारे ऊपर जुल्म और सितम और जोर जफा के मजालिम ढाए जा रहे, हमारे ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे, हमारे हुकूक को पामाल किया जा रहा है, ये तो हिंदुस्तानी मुसलमानों के मौजूदा हालात है। अब सवाल हमारे सामने ये है कि क्या मुस्तकबिल भी हमारा ऐसा रहेगा? मुस्तकबिल के मुतालिक हमें सोचना और हमारा मुस्तकबिल याद रख के हम तमाम इस बात को, हमारा मुस्तकबिल ताबनाक उसी वक्त बन सकता है जब हम अपने माजी की तारीख को सामने रखते हुए कदम बढ़ावे। हमारे अंदर रूह आज भी वो मौजूद है, हमारी ताकतें सलब नहीं हो गई है, हमारी इरादे कोई पस्त नहीं हो गए हैं और हमारे अरमान कोई बिखर नहीं गए हैं, हमारे अंदर ताकतें मौजूद है और हमारे इरादों को और हमारे आजम को और हमारी कोशिशों को जो है कोई पस्ती में नहीं डाल दिया गया है, बल्कि हम जो है हमारे इरादों को और हमारे अज़्म और हमारी कोशिशों को कोहे हिमालय की चट्टान बना सकते हैं। वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौ इन कुंतुम मुमिनीन, अगर कामिल ईमान वाले हैं हम तो हमारे वास्ते सरबलंदी का समरा कुरान पाक ने बयान किया, पर शर्त यह है कि कामिल ईमान हमारे पास हो। अल्लाह करे कि हमारे ईमान की ईमानी आमाल की हिफाजत हो जावे। आज जबकि फितनों का दौर है, नत नए फितने रोज बरोज बरंगेफ्ता हो रहे हैं, तो इन फितनों का मुकाबला करना मुश्किल बनता जा रहा है। अल्लाह ताला हमारे ईमान की ईमानी आमाल की हिफाजत करे और हम तमाम का खात्मा ईमान पर फरमावे। खैर मुख्तसर अंदाज में उनवान को खत्म करते हुए आगे बढ़ो, अगर थोड़ा वक्त ज्यादा हो जावे तो माजरत तलब करता हूँ। बात यह हो रही थी कि फकत 3 सालों में उलमा किराम को खत्म कर दिया, सन ईस्वी 1864 से 1867 तक। अब जब उलमा किराम को खत्म कर दिया गया और चंद चुने गिले उलमा किराम मौजूद थे और दीनी मदारिस भी अपनी असली हालत और बाकी न रहे, हालांकि ताज्जुब खेज बात है कि अंग्रेज जब हमारे देश हिंदुस्तान में आया या तो सन ईस्वी 1601 या तो सन ईस्वी 1608 के अंदर, तब तो फकत दिल्ली में 1000 से ज्यादा मदारिस मौजूद थी, 1000 से ज्यादा मदरसे मौजूद थे। मदरसे रहीमिया हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का मदरसा, जहां से इल्मे दीन की इशात हो रही थी, इल्मे हदीस को फैलाया जा रहा था, इस मदरसे पर अंग्रेज साम्राज्य हुकूमत ने बुलडोजर चला दिया।
शाहवलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ये हिंदुस्तान का सबसे पहला ऐसा शख्स जिसने दरसे हदीस को मुनज्जम तौर पर हिंदुस्तान में शुरू किया। शाहवलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ये वो हस्ती हैं जिन्होंने सबसे पहले कुरान पाक को अरबी से फारसी में ट्रांसलेशन किया। जबकि उस वक्त जब अंग्रेज यहाँ पर आया सन ईस्वी 1601 या 8 में, तब हमारे हिंदुस्तान का बादशाह जहांगीर था, उस वक्त तमाम हिंदुस्तानियों की जबान फारसी थी, सरकारी जबान फारसी थी। इस वास्ते शाहवलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अरबी से फारसी में कुरान पाक का तर्जमा किया। फिर इनके एक बेटे हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक की तफसीर फारसी में तफसीर अजीजी के नाम से लिखी। फिर इनके दो बेटे हजरत शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह और हजरत शाह रफीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक के फारसी तर्जमा से उर्दू में तर्जमा किया। इस खानदान का हम हिंदुस्तानियों पर बहुत बड़ा एहसान है। तो जब कोई मदरसा भी अपनी असली हालत पर बाकी न रहा और उलमाए किराम भी खत्म कर दिए गए, चंद चुने गिने उलमाए किराम मौजूद रहे, तब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ख्वाब के अंदर हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को देवबंद बस्ती में इल्मे दीन को बाकी रखने के वास्ते एक मदरसे की बुनियाद डालने का हुक्म दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम की इस बशारत पर हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने देवबंद बस्ती में अनार के एक दरख्त के नीचे मदरसे की बुनियाद रखी, जिसको आज दारुल उलूम देवबंद कहा जाता है, और वहां से सनद प्राप्त करने वालों को उलमाए देवबंद कहा जाता है। बानी दारुल उलूम देवबंद हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी, क्या हो गया आज हमारे मुआशरे में और हमारे समाज में? हमारे मुसलमान भाई जिनको गुस्ताखे रसूल कहते हैं, हजरत मौलाना कासिम साहब ना तो नानोत जिन्होंने रसूले खुदा की बशारत पर इस मदरसे की बुनियाद रखी, आज दारुल उलूम देवबंद को गालियां देने वाले और उलमाए दारुल उलूम देवबंद को गुस्ताखे रसूल कहने वाले, गालियां देने वाले और इनको काफिर तलक कहने वाले हमारे मुआशरे में हमारे मुसलमान भाई पाए जाते। अगर वक्त इजाजत देता उलमाए दारुल उलूम देवबंद की दास्तानें खोलकर बैठता और इनको गालियां देने वाले और इनको गुस्ताखे रसूल कहने वाले और इनको काफिर कहने वालों की एक एक पोल को खोलकर रख देता, पर वह वक्त इजाजत नहीं देता। बस इतनी बात अर्ज करना चाहता हूँ, हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जिनको आज हमारे भाई गुस्ताखे रसूल कहते हैं, मैं बताऊं ये कितना बड़ा आशिक रसूल था, जिनके हर बात में इश्के रसूल, जिनके हर फैल में इश्के रसूल, जिनके हर कौल में इश्के रसूल। मदीना मुनव्वरा की बस्ती से 7 मील के फासले पर, 7 मील की दूरी पर मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह अपने पैरों से चंपल उतार देते, नोकेले पत्थरों पर बगैर चंपल के चलते थे। साथी कहते, हजरत क्यों पत्थरों पर चलते हैं? पत्थरों की वजह से आपके पैर जख्मी हो जाएंगे, आप पैरों में चंपल पहन ले। मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह जवाब देते, मैं ये तस्वीर करता हूं कि आज से 1400 साल पहले इस मुबारक सरजमीन पर नबुवत के मुबारक कदम पड़े हो और मोहम्मद कासिम नानोतवी का गुस्ताख जूता कहीं पर न पड़ जावे। इस वास्ते मैं तो पैरों से चप्पल उतार देता हूं, जरा इनका नसब पड़े। हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु की नस्ल से हैं, क्यों इनको गुस्ताख रसूल कहते हैं, क्यों इनको काफिर कहते हैं? हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी नबरल्लाहु मरकदहु जो उलमाए देवबंद में शुमार किए जाते हैं, जिनका उम्मत पर इतना बड़ा एहसान, जिन्होंने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, जिनका नसब पढ़े तो मालूम हुए कि हजरत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु की नस्ल से हैं, आज इनको हमारे भाइयों ने काफिर कह दिया। अल्लामा शब्बीर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह जिनका शुमार उलमाए दारुल उलूम देवबंद में होता है, जिन्होंने कुरान पाक की तफसीर तफसीर उस्मानी लिखी, इनका नसब मिलता है हजरत उस्मान रदियल्लाहु तआला अन्हु से, क्यों इनको गुस्ताखे रसूल कहते हैं, क्यों इनको काकीन के इन पर काफिर का फतवा लगाते हैं? हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नबरल्लाहु मरकदहु क्यों ये दारुल उलूम देवबंद के उलमा में जिनका शुमार होता है हमारे भाई को गुस्ताखे रसूल कहते हैं, क्यों इनका
नसब परे हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु तलक इनका नसब पहुंचता। इनको अपना नसब मालूम नहीं था। मैंने एक अजीब बात पढ़ी, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी एक मरतबा परेशान बैठे थे, हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ख्वाब में एक घोड़े पर सवार जिहाद के वास्ते जा रहे थे। जब करीब से गुजर हुआ, मौलाना हुसैन अहमद मदनी नवर अल्लाह कदम से पूछा, भाई क्या बात है? हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा, मैं तो मेरा नसब जानना चाहता हूँ, मैं मेरा नसब तलाश करता हूँ, न मालूम मैं किस नसब से हूँ। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी से हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला ने कहा कि तू मेरे नसब से है। ये नसब पहुंचा इनका हजरत अली रदी अल्लाह तआला तलक। बरहाल हजरत मौलाना कासिम साहब नानूती रहमतुल्लाह अलैह ने ये दालूम देवबंद के दालूम देवबंद बस्ती में नबी पाक अलैहिस्सलाम की बशारत पर दालूम की बुनियाद डाली, जिसको आज दालूम देवबंद कहा जाता है, और वहां से सनद प्राप्त करने वालों को उलमाए दालूम देवबंद कहा जाता है। तो वक्त भी ज्यादा हो गया है, खुलासा बस इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे साथ ये गैर मुसावाना रवैया जो इख्तियार किया गया, और हम मुसलमानों को इसकी वजह, आज जो है 15 अगस्त की तकरीब हो या 26 जनवरी की तकरीब हो, इन तकरीबात में इस मौजू को इस अंदाज से पेश किया जाता है, और मौजूदा दौर की स्कूलों कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में भी इस उनवान और इस मजमून को इस अंदाज से पेश किया जाता है, गोया के महसूस ये होता है कि हम मुसलमानों का जंग आजादी में हिस्सा इतना है जितना आटे में नमक का नमक, आटे में नमक के बराबर ये हमारा हिस्सा। जब ये बात सुनने को मिलती है, तब हमारी जमीर हमें झंझोर कर ये कहने पर मजबूर कर देती है कि भाई साफ कह दो कि ये साजिश है और ये एक नापाक मंसूबा है, और ये साजिश क्यों कर रची जाती है और ये नापाक मंसूबे क्यों बनाए जाते हैं, ये भी बताता चलूं। ये साजिश इस वास्ते रची जाती है और ये नापाक मंसूबे इस वास्ते बनाए जाते हैं कि हम मुसलमानों की मौजूदा नस्ल और आने वाली नस्ल को हमारे असलाफ के कारनामों और हमारे असलाफ की कुर्बानियों से बेखबर रख कर हमारे जहनों और हमारे दिमागों पर अपने रहमो करम की मोहताजगी का सिक्का जमाना चाहते हैं। इसलिए हमें हमारे माजी से कटना नहीं है, हमें हम ऐसे मौकों पर हमारे असलाफ के कारनामों को याद रखना है, हमारे असलाफ की कुर्बानियों को याद रखना है। बाकी याद रखे, मैं अपनी जात से मुखातब हूं, हम याद रखे इस बात को, अगर हमने हमारा रिश्ता तोड़ा माजी से और हमने हमारे असलाफ के कारनामों को भुला दिया, असलाफ की कुर्बानियों को याद नहीं किया, तो हम अपाहच होकर रह जाएंगे। अपाहच होकर किसी कौम को तनजुनी में डालकर हलाक करना हो, किसी कौम को पस्ती में डालकर बर्बाद करना हो, तो उस कौम का रिश्ता माजी से काट दिया जाता है और इनके असलाफ के कारनामों और कुर्बानियों से काट दिया जाता है। जब उस कौम का रिश्ता असलाफ के कारनामों कुर्बानियों से टूट गया और माजी की तारीख को याद नहीं रखा, तो अब वो कौम जो है बाजार से खुद हलाक और बर्बाद हो जाती है। उस कौम को हलाक और बर्बाद करने के वास्ते मिसाइल छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, और इस कौम के वास्ते तोपे लगाई नहीं जाती, बल्कि वो खुद वो कौम जो है अपाहच होकर रह जाती। इसलिए हमें हमारे असलाफ के कारनामों को याद रखना है, असलाफ की कुर्बानियों को याद रखना है। अल्लाह तबारक व तआला इन जंग आजादी के तहत शहीद होने वाले तमाम की कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमावे, और अल्लाह तबारक व तआला ये हमारे असलाफ अपने नबी की इत्तबा करते हुए गुजर गए, अल्लाह ताला हमें भी इनके नक्शों कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। वाह अल्लाह।